नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में इंडिया में रोड्स का काम जोरों शोरों से चल रहा है और उसी स्पीड से फास्टैग का बैलेंस भी कम हो रहा है। लेकिन अगर आप रोड पर टू व्हीलर लेकर जाते हैं तो आपको टोल नहीं देना होता। आखिर ऐसा क्यों, जानेंगे आज की इस वीडियो में। वैसे सुनकर आपको अजीब लगे, लेकिन इंडिया में कुछ सड़कें हैं जहां पर मोटरसाइकिल को भी टोल देना पड़ता है, जिसकी बात हम करने वाले हैं आगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि रोड पर टोल क्यों वसूला जाता है। भारत में जो भी नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे बनते हैं, वो या तो गवर्नमेंट बनाती है या फिर एक हाथ पब्लिक प्राइवेट कंपनी से बनवाती है। अब इसमें लगने वाले पैसे गवर्नमेंट टोल के माध्यम से वो रोड यूज करने वाले वाहनों से वसूल करती है। ये जो टोल है वो डिपेंड होता है व्हीकल के टाइप पर, यानी कार है, टेम्पो है, ट्रक है या फिर मल्टी एक्सल कोई व्हीकल है, उस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होकर टोल निर्धारित किया जाता है। अब आप चला रहे हो टू व्हीलर, तो टू व्हीलर का वेट काफी कम होता है, 300 केजी से 400 केजी तक लगभग सभी टू व्हीलर्स आ जाती है। तो वजन कम होने के कारण वो रोड पर प्रेशर भी कम अप्लाई करेगी, यानी कि रोड का वियर एंड टियर भी कम करेंगी। लेकिन ये हो गई एक बात, इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी भी है जिसकी वजह से मोटरसाइकिल्स को टोल नहीं देना पड़ता। तो हमारी जो पॉलिसी है इंडियन गवर्नमेंट की, वो ये कहती है कि अगर व्हीकल लेस देन 1 PCU यूनिट है तो उसको टोल नहीं देना है। अब ये PCU यूनिट क्या होता है? PCU मतलब पैसेंजर कार यूनिट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बाइक और स्कूटर को 0.5 यूनिट कंसिडर किया गया है, यानी ये एक से कम है, इसलिए बाइक को टोल नहीं देना पड़ता। उसी के साथ जो कार है या फिर जो बाकी के जो भी वाहन है वो एक से आगे है, इसलिए उन्हें टोल देना पड़ता है। हालांकि इसका एक और रीजन भी है, अपने देश में टू व्हीलर कौन चलाता है जिसे कम से कम बजट में ट्रैवल करना है, क्योंकि टू व्हीलर फिलहाल तो इकोनॉमी ऑप्शन है अगर आपके यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। हालांकि 100 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाने के बाद किसकी बाइक इकोनॉमी चलती है मुझे नहीं पता। तो गवर्नमेंट ने सोचा हो कि बंदा पहले ही धूप में बाइक चला रहा है अपनी जान पर खेलकर, तो इसे टोल क्यों वसूले। जोक सपाट, टू व्हीलर वही लोग चलाते हैं जिन्हें कम बजट में ट्रैवल करना है, तो वो लोग पहले से ही फाइनेंशियली वीक है, तो गवर्नमेंट उन पर और टैक्स या फिर टोल नहीं लगाना चाहती है। वैसे मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक कार की सेल बढ़ाने के लिए उनको टोल माफ कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है नीचे कॉमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं कुछ सड़कों की जहां पर मोटरसाइकिल को भी टोल देना पड़ता है। जी हाँ, यमुना एक्सप्रेस वे पर आपको टोल देना पड़ता है चाहे आप मोटरसाइकिल ही क्यों ना चला रहे हो। इतना ही नहीं, आपको लगभग 175 रुपीज टोल पे करना पड़ता है वन वे के लिए, मतलब आगरा से ग्रेटर नोएडा जाने के लिए आपको 175 रुपीज टोल देना होगा चाहे आपके पास टू व्हीलर ही हो। तो अगर आप भी कुछ ऐसी सड़कों के बारे में जानते हैं जहां पर मोटरसाइकिल को भी टोल लगता है तो आप हमें नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। मॉडिफाइड थॉट्स पर हम ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो बनाते हैं जहां पर हम इन्फॉर्मेशन काफी अलग ढंग से आपसे शेयर करते हैं। तो अगर आप भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मॉडिफाइड थॉट्स को और बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में। जय हिंद।